तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने आज अपने तिगांव क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया। विधायक नागर ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। यह मेला तिगांव क्षेत्र के सेक्टर 37 के भाजपा विधायक राजेश नागर कार्यालय पर लगाया गया। इस मेले में हजारों युवाओं ने भाग लिया। विधायक ने बताया कि यहाँ पर लगभग दर्जनों भर कंपनी आई हुई हैं, जो इच्छुक व योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए एक ही छत के नीचे उपस्थित हुई हैं। आज यहाँ पर दर्जनों भर कंपनियों द्वारा करीब सैकड़ों योग्य युवाओं को रोजगार दिया गया है। विधायक ने बताया कि योग्य युवाओं को रोजगार देना हमारा कर्तव्य है और हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी बिल्कुल शून्य हो जाए। इसी के तहत लगातार एक महीने के अंदर क्षेत्र में दूसरा रोजगार मेला लगाया गया है। सर, आज रोजगार मेला लगाया है, क्या कुछ कहना है, कौन सी जगह पर है ये? हमारे पल्ला अशोका में जो ऑफिस है, इस पर आज रोजगार मेला लगाया है। और अभी कुछ समय पहले हमने तिगांव में भी इसी तरह का एक रोजगार मेला लगाया है। अच्छा। और इस तरह के मेले हम हर जगह, हर सेक्टर में और हर गांव में करीब करीब लगाते रहेंगे, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। आज यहाँ पर कितनी कंपनियों ने भाग लिया है? निकल 10 से 12 कंपनीज यहाँ पर आई है, पेटीएम और काफ़ी कंपनी, अलग अलग तरह की कंपनी आई है। और 800 से 1000 बच्चे अभी तक आए हैं, उसमें करीब 200 के करीब का सिलेक्शन हो चुका है और अभी चल रहा है, अभी 1-2 घंटे और चलेगा और भी बच्चे अभी यहाँ पर आएंगे। क्या कोई लक्ष्य रखा है, कितने बच्चों को करना है? लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, हम तो चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे युवा और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार मिले, इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हितेश पाल्टा, जन सेवा। पाल्टा जी, आज रोजगार मेला लगाया गया है कार्यालय, सेक्टर कार्यालय जी, राजेश नागर जी के कार्यालय पे रोजगार मेला का आयोजित किया गया, जहाँ पे लगभग 15 कंपनियाँ आई और उन सब ने 175 से ऊपर अभी तक नौकरियाँ के लेटर इशू कर दिए हैं। अच्छा। और यहाँ भीड़ 550 बंदों की आई है। लेकिन विपक्ष तो लगातार हावी हो रहा है कि अटैची से मिलती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, सभी नौकरियां ऐसे ही मिलती हैं। देखिए, ये जवाब विपक्षियों के लिए ही है जो कहते हैं कि भाजपा सरकार ने रोजगार नहीं दिया। हमने ऐसे मेलों का आयोजन करते भी रहे हैं और करते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हर हफ्ते, हर महीने में 2-3 बार हमारे ये मेले लग रहे हैं और अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, किसान मोर्चा पे भी लग रहे हैं और हम ऐसे विधायक स्थल पे भी जाके यहाँ रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं।